एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सो आज है ज्योतिया का व्रत, इसे जीवित पुत्रिका का व्रत भी कहते हैं, एंड ये हमारे यहाँ मनाया जाता है। तो आई थॉट कि ये ब्लॉग तो ज़रूर से ज़रूर आप लोगों के साथ शेयर करना चाहिए। ये व्रत 3 दिन का होता है एंड अश्विन मास की अष्टमी को ये व्रत रखा जाता है, ठीक है। सप्तमी को क्या होता है, सप्तमी को नहाए खाए होता है एंड अष्टमी को मेन व्रत होता है जो कि निर्जल होता है, एंड नवमी को व्रत का पारण किया जाता है। एंड वन मोर थिंग, कल मैंने मम्मी से पूछा कि ये व्रत क्यों रखा जाता है, तो उनका कहना यह था कि हमारे पूर्वजों ने हमें नहीं बताया तो हमें नहीं पता है। तो बस फिर मैंने गूगल से पूछा, गूगल ने फटाक से आंसर दे दिया इसका। तो ये वाली गूगल नहीं, ये वाली गूगल से मैंने पूछा था, इसने दिया आंसर। तो चलिए गाइस, पूजा को देखते हैं। पता रही कि अभी दिन है। सो अभी लगभग पूजा की सारी तैयारियां हो चुकी हैं एंड मम्मी पूजा करने बैठ गई हैं। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार एक गरुड़ और भूख के कारण बेहोश हो गई और चुपके से भोजन किया। दूसरी ओर चील ने पूरे समर्पण के साथ व्रत का पालन किया और उसे पूरा किया। मान्यता है कि तभी से संतान की लंबी आयु और कल्याण के लिए जीवित पुत्रिका का व्रत मनाया जाता है। हाँ जी, मेरा बेटी बेटा सब खुश। मम्मी कुछ कहना चाहेंगी हमारे दर्शकों को? हाँ, सब कुछ बढ़िया है, सब कुछ शिव माई सबको फलित करें, खुश रहें लोग, घर परिवार में रहे, और क्या चाहिए। हे शिव माई तुहर पहरा जाए दीनानाथ हे सूर्य। तो अभी मम्मी ये एक लास्ट में चुटकुला कहने जा रही हैं, बोलिए मम्मी। शुरू से बोलिए। हाँ, शुरू से। ए अरियार का बर यार, विवेक कमाई खर जीवतिया भूखल नहीं नहीं। ए अरियार का बर यार, जाके पूछा राजा रामचंद्र से, विवेक कमाई खर जीवतिया भूखल नहीं। ए अरियार का बर यार, जाके पूछा राजा रामचंद्र से, आराधना का माई खर जीवतिया भूखल नहीं। ए अरियार का बर यार, जाके पूछा राजा रामचंद्र से, निधि की मम्मी खर जीवतिया भूखल नहीं। हो गया, जय शिव माई, शांति। चुटकुला है। कैसा लगा मेरा मजाक? लास्ट मम्मी जूतिया है, डांस तो बनता है। अरे नहीं, सीओ माई इनके शक्ति दे ले, थोड़ा सा कर दीजिए। अभी जूतिया का गीत लगा रही, थोड़ा सा कर दीजिए। हो गई जूतिया, अभी गीत लगा रही, थोड़ा सा कर दीजिए। सो ऑल राइट एवरीवन, एंड कल होगा मम्मी का पारण। मम्मी कितने बजे होगा पारण? सुबह 7 बजे। 7 बजे तक मम्मी पारण कर लेंगी। तो बस क्या, बाय। बोल दीजिए पापा। मेरी शुभकामनाएं, लॉन्ग लाइफ जियो और हमेशा प्रगति के पथ पर यशस्वी हो। आप मेरी खुशियां हैं, मेरा बेटा खूब आगे बढ़े, खूब खुश रहे।
हे गाइस, तो अभी शाम के 5 बज चुके हैं एंड अभी आप लोगों ने देखा ही था कि ये पूजा पाठ कर रहे थे और इन्होंने आशीर्वाद भी लिया। तो उसका रीज़न है ये अभी हमें एक शिपमेंट रिसीव हुई है बायजूस की तरफ से, तो हमने सोचा इसका क्यों ना एक ब्लॉग बना लें। तो चलिए अब इसको ओपन करते हैं एंड देखते हैं। सो मैं मंडे से बायजूस ज्वाइन कर रहा हूँ, तो आपको दिखाते हैं क्या क्या हमें मिला है बायजूस की तरफ से अभी। एंड इसमें एक डायरी है ब्रांड ऑफ बायजूस, यस, तो आई थिंक ये निधि यूज़ करेगी। ओके, इसके साथ एक डायरी के अलावा इसमें एक ये पेन है एंड उसके अलावा एक पेन ड्राइव है। इंट्रोडक्टरी या इंडक्शन वीडियोस होंगी आई गेस, सो मैंने अभी इसको देखा नहीं है। ओके, इसको करते हैं अनबॉक्स एंड यहाँ पे है अपना मैकबुक प्रो। मैं ऑलरेडी मैकबुक एयर यूज़ कर रहा था अराउंड 4 साल से, बट आई थिंक ये उससे काफ़ी काफ़ी ज़्यादा अच्छा होने वाला है। साइड में ओके ओके, सो अभी तक तो मैं वाइट कलर यूज़ कर रहा था, सो लेट्स सी ग्रे कलर के साथ क्या एक्सपीरियंस रहता है। सो ये है इसका चार्जर, चार्जिंग केबल। सो गाइस, ये जो चार्जिंग केबल है अराउंड 3 मीटर इसकी लेंथ है एंड ये है अडैप्टर। सो एक बार इसको भी ओपन कर लेते हैं। ओके, ये है चार्जिंग पोर्ट एंड दैट्स इट। मैग्नेटिक नहीं है ये, मैग्नेटिक नहीं है। ओके, अब इसको करते हैं ओपन। ओ वाओ, काफ़ी कॉम्पैक्ट लगा यार, ये चीज़ बहुत अच्छी लगी मुझे, बहुत ज़्यादा कॉम्पैक्ट है, फैंटास्टिक। स्क्रीन साइज भी जो मैकबुक एयर है उससे काफ़ी ज़्यादा बड़ा लग रहा है, वाओ, एकदम फ्रेश ऑपरेटिंग सिस्टम है। इसका क्लिक इतना स्मूथ है, लाइक बहुत ज़बरदस्त। मुझे मैकबुक प्रो बहुत अच्छा लगा, काफ़ी स्मूथ है, लाइट है और कॉम्पैक्ट भी है बहुत ज़्यादा। अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। एंड पिछले मैकबुक एयर से आई थिंक बहुत अच्छा अपग्रेड है, तो या दैट्स इट, सो काफ़ी सही है। आई होप इसके साथ जर्नी काफ़ी अच्छी गुजरेगी। तो चलिए गाइस, अब इसी बात से कुछ मीठा हो जाए। इधर को आके लो ना।